सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपको स्वागत है हमारे एपिसोड में किंग विद गेमिंग विद किंग्स में। यार क्या बोलूं, नाम दोबारा बोल दिया रहा हूं। सो आपने लास्ट वीडियो देख ही लिया कैसे कैसे मैंने एक डायनोस को टेम किया था, पर वो अब नहीं रहे, कुछ नए डायनोस टेम किए मैंने, उनको हटा के आज की टॉपिक है कि हाउ टू, मतलब जो भी की मैपिंग है इसका, की मैपिंग कैसा कैसा क्या है वो सब इसकी की मैपिंग, ठीक है। जैसे कि मतलब आर्क की साउंड बंद कर दी सेकंड के लिए, हाँ ठीक है। जैसे कि देखो कौन से बटन से क्या होता है ना, उस टाइप की ये चीज़ें हैं, कौन से बटन से क्या होता है, कौन से किससे क्या होता है, वही चीज़ है पीसी के लिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास होता है नहीं, और प्लस हिंदी में है तो हिंदी में कहीं नहीं मिलता, ये बात तो आपको पता है कि हिंदी में कहीं नहीं मिलती। तो देखो सब कुछ सही है, सब कुछ सेम है, कुछ ऊपर नीचे की नहीं किया मैंने, मैप भी वही है, और कुछ मैंने अंदर फाइट्स किए हैं, कुछ सारी मैन वैन किए हैं, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। बाकी यहाँ कल से हमारी रैग्नारॉक की सीरीज आने वाली है, हो सके तो रैग्नारॉक की आएगी, वरना फिर द सेंटर मैप की आएगी। ओके गेम लोड हो रहा है मेरा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ड्रो, पहले इनको खत्म कर लूँ। एक काम कर देना, हम चलते हैं पहले एक एक ठीक होगा ना। हाँ तो अभी ठीक है, हो गया ठीक है ठीक है। तो थोड़ी बहुत मेहनत किया, थोड़ी बहुत मैंने कुछ और भी चीज़ें यूज़ की हैं, पूरे भाई भी रिसीव का सिटी एक्टिविटी भी। अरे 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 सेट सेट यार, गेम सेव नहीं, पता है मैंने एडिट की थी गेम सेव करने के बाद। इसको पहले मारना पड़ेगा यार, ये तो दिमाग खराब कर देंगे मेरे बेस की तैसी कर रखी है लोगों ने। ऐसे ही भाई चिंता है गई, अब ये स्पेस को रिपेयर नहीं करेंगे। देखो ये मैप में कल डिलीट ही करने वाला हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग में यार हाई ग्राफिक पर लैग होता है, ऐसे ग्राफिक कब करनी पड़ेगी मेरे को, इनको मार दूंगा ठीक है। कोई बात नहीं, फ्री मरेगा तो बेटे। अब अभी घर में क्या है तुम, चल 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 चल, ठंडी हो गया ठंडी हो गया ठंडी हो गया भाई, वाट लग गई यार। मैं पूछ क्या रहा हूँ, वो क्या रहा है, फटाफट हीटर से हटन दूंगा उनको। अभी चलो अब इनको बुलाते हैं नीचे, आ जा बेटो तो बेटो तो ठीक है। तो भाई ऑल क्लियर लग रहा है मेरे को, और थोड़ा बहुत एफ पी एस ड्रॉप हो रहा है, जिसको मैं ज़्यादा कुछ खास करेक्ट नहीं देने वाला। तो ये देखो 2-4, 10-15 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा टाइम की वीडियो भी नहीं होगी, तो इसमें क्या ही मैं सेटिंग छोड़ू छोड़ू ठीक है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ, कैसे गैस कौन से बटन से क्या होता है। ओके तो मैं जहाँ तक होगा तो कुछ कैप्चर करूँगा, अगर कुछ नहीं कर पाया तो मेरे को बता देना ठीक है। एंड वेट यार, मैं उस पर क्यों नहीं गया, अरे वो ओके तो ठीक है। देखो देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी अगर स्टार्ट करें तो हमारी मूवमेंट कैसे होती है यार, ग्राफिक कम करनी पड़ेगी। फिर मैं ग्राफिक मीडियम कर दिया थोड़ा उतना, अब तो एफपीएस बिल्कुल नहीं ड्रॉप हो रहा, 50-60 एफपीएस है ठीक है। अभी देखते हैं हमारी कैसे कंट्रोल होती है गेम को ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हमारी मूवमेंट कैसे होती है, तो मूवमेंट वही सेम है हर गेम जैसे करते हैं सारे गेम्स में। अपनी डब्ल्यू से आगे है, डी से राइट है, ए से लेफ्ट है, और एस से पीछे है ठीक है। और अपना अगर एक्स दबाएंगे तो हम लेट जाएंगे लेटने का, और सी से अपना क्राउच हो जाएगा ठीक है। और मेन बात की वजह फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा कैसे करते हैं, ये दिक्कत मेरे को स्टार्टिंग में पता ही नहीं चल रहा था कैसे करते हैं, और यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलते थे भाई, कोई मिल ही नहीं रहा था। तो मतलब मैंने सेटिंग को थोड़े अच्छे से चेक किया, तो मुझे पता चला कि जो जो अपने माउस का स्क्रॉल भी ना, अगर आप उसको आगे तक स्क्रॉल करोगे तो आपका फ्रंट कैमरा आएगा, मतलब फर्स्ट पर्सन आएगा, पीछे तक स्क्रॉल करोगे तो आपका बैक थर्ड पर्सन आएगा ठीक है। इस तरह आपका फर्स्ट 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 और थर्ड पर्सन काम करता है। और बात करें अगर ये जो आइटम्स बाहर हैं, जो नीचे आइटम है जैसे कि टैग गन वगैरह जो भी है, उनका रिमोट है,
टेलीपोर्टर का जो कुछ भी है इसमें, गॉड मोड का जो भी है इसमें ना, आपको मतलब 1 2 3 बाय मतलब नंबर बाय स्लॉट क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको पहला स्लॉट होता है 1, दूसरा स्लॉट होता है 2, तीसरा स्लॉट होता है 3, इस तरह स्लॉट बाय स्लॉट करना। जैसे मेरा अभी मेरा टेलीपोर्टर का रिमोट 6 नंबर पे, तो मैं 6 क्लिक करूंगा, अपना नंबर पैड डालेंगे ऊपर 6 और क्लिक करूंगा तो मेरा देखो यार छोड़ इसे छोड़ गया टेलीपोर्टर का रिमोट हाथ में है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा नॉर्मल मुझे कहाँ टेलीपोर्टर है वो। अगर राइट क्लिक करूंगा माउस का तो मेरे कौन से डायनो को मुझे बुला रहा है, जैसे कि मैं अपने बुला रहा हूँ ने अर्जेंट टैबल्स को बुला था इस वाले को। ठीक है, ओके भाई गलती कर दी मैंने। चलो ठीक है, ये अपना अर्जेंट टैबल्स नहीं, अपना इसका नाम मैंने पावर रखा था, पता नहीं नाम कैसे आ गया। ठीक है, तो मुझे इसको बुलाना, मुझे उस पर क्लिक करना, क्योंकि मैं अपने इस वाले अर्जेंट टैबल्स को बुलाता हूँ तो बेचारे मरा हुआ धरती में घुसा, लेकिन है ही तुमका है। ठीक है, देखो इस तरह आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको किसी नॉर्मल हाथ में गन नहीं तो नॉर्मल आपको अगर अगर क्यों दबाओगे तो सारी गन हाथ में हट जाएगी, जो भी गन होगी डायरेक्ट एकदम से हट जाएगी। ठीक है, और प्लस टेक्स्ट शूट का यूज करते हैं, इसके बढ़ते एक अलग से पूरी वीडियो वीडियो बनेगी, वो बताना मैं उसकी वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, एंड या ओके, और क्या होता है इसमें देखने मेरे को। हाँ, और के से अपना हम सही से स्क्रीन शॉट वगैरह को लेना तो के दबाएंगे ना, के क्लिक करेंगे ऐसे, तो अगर हम अल्ट क्लिक करके रखें तो हम भागते भी हैं, और प्लस हमारा हमारे जो ये है हमारा जो फ्री लुक है वो पूरा खुल जाएगा। ठीक है, प्लस हम लेकिन हमारा जो स्टेप प्लस डब्ल्यू वाला बटन है वो काम करना शुरू कर देगा। जैसे ये देखो मेरे पास फिलहाल टेक्स्ट शूट है तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, मैं जैसे अल्ट दबाया राइट अल्ट तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, दोबारा चलते हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल के दबाऊंगा सिंगल क्लिक तो डायरेक्ट ही ऐसा आएगा और कोई मतलब स्प्रिंटिंग वगैरह कुछ नहीं होगी। इससे आप अच्छे खासा स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ठीक है, ये देखो इस टाइप कितनी सही स्क्रीन शॉट है ना, इस टाइप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ इस टाइप की दिक्कत नहीं होती है। और डायरेक्ट मेरे मुँह पे एक पूछता हुआ बाकी ये मेरे को कर ही नहीं पा रहा। मैं दो गोले छुपाऊँ गिन के, एक अब है मेरी गन गन चोर, एक दो सर तू गन चोरी करेगा गन में मेरी यही मेरी गन लेके आओ लग रहा है। मैं बॉडी हार्वेस्टरी गन मिली है, मेरी गन ही चोरी हुई इसके पास से क्या। हाँ, इसी के पास पड़ी है। और देखो इन्वेंटरी वगैरह बताता हूँ, अगर इन्वेंटरी खोलना तो आई दबाना होगा, आई दबाना तो हमारे सिंपल हमारी इन्वेंटरी खुल जाती है जो हमारा इन्वेंटरी है, और इन्वेंटरी में चीज को ड्रॉप करना तो हमें सिंपल उस पर ले जाना वो दबाना है। अगर हम ब्लॉगर वो दबाएंगे तो हमारा फटाफट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफर के लिए उसके ऊपर ले जाना, और इस साइड एक एनिमल का होना चाहिए, मैं खोल के दिखाता हूँ। अगर देखो अगर अपने क्राफ्टिंग वाला खोलना तो आपको वी दबाना पड़ेगा, वी एक डायरेक्ट आप यहाँ से भी इन्वेंटरी और क्राफ्टिंग ऐसे क्लिक करके आ जा सकते हो। ठीक है, बाकी वैसे अगर मान लो किस एनिमल का आपको इन्वेंटरी खोलना है, अगर आप उसमें बैठे हुए हो तो भी, और नहीं बैठे हुए हो तो भी, ठीक है, आपको इसके पास जाके ऐप दबाना होगा। एक बार देखो इस एनिमल की मेरी इन्वेंटरी खुल चुकी है, क्योंकि देखो आर्जेंटिक से आर्जेंट देखिए तो कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं। अपने एक तुजिल की इन्वेंटरी खोल के दिखाता हूँ, एक तुजिल सोलह में अपने अरोल हेलो सर उसके इन्वेंटरी खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे इस वाले पे तो मैं डायरेक्ट ई दबा के खोल सकता हूँ लिखा है। ठीक है, अगर मैं मतलब मेरे पास सैडल नहीं हो तो बोल रहा कि ई टू मतलब अगर मैं ई दबाऊंगा तो मैं इसकी इन्वेंटरी खोलेगी, मैं इसकी इन्वेंटरी में सैडल लाके मैं डालता हूँ। अगर सैडल हो इसके पास तो हम ई दबाते ही बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हमें ऐप दबाना पड़ेगा तो डायरेक्ट ही खुल जाएगा। फिर हम अगर मान लो इस पोज पर ट्रांसफर करें तो टी दबाएंगे, एक बार ऑल ट्रांसफर हो जाएगा, वापस टी दबाएंगे वापस आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो दबाएंगे तो ड्रॉप हो जाएगा, चाहे यहाँ से भी दबाओ चाहे यहाँ से दबाओ। ठीक है, एंड देन ई अगर दबाएंगे तो वो खा लेता है, जैसे कि मैं देखो अगर मैंने ई दबाया तो ये मैंने खा लिया, बट मैंने तो अच्छा खाया तो मेरे को पक्का कुछ दिक्कत हो रही है। इस तरह गया, फिर अगर मैं इसकी इन्वेंटरी में रख के ई दबाऊंगा तो ये खाएगा, देखो ये खा रहा है ना, उस तरह ही वर्क करता है इसका वाला मैकेनिकल जो भी है मैकेनिकल। एंड इन्वेंटरी वगैरह बता दिया, और अगर मान लो आप इस सर्वर में खेल रहे हो और आपको बातें करनी है, तो अगर आप कुछ टू टैक मतलब बातें के लिए माइक खोलना अपना,
उसके अलावा ना बी का लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, तो आपका खुल जाता है माइक। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने मैं अपना बी बी लॉन्ग प्रेस किया ना, फिलहाल नहीं खुला क्योंकि फिलहाल मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यूज हो रहा है। हाँ ठीक है, तो देखो मुझे ना बस यहाँ पे अपना बी बटन लॉन्ग प्रेस करना है। ऊपर देखो ऊपर सबसे ऊपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में एक माइक का साइन मिल हटाया, तो हट गया। बस क्लिक लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो रहेगा। ठीक है, अभी मैं चाहूँ तो बात कर सकता हूँ किसी बंदे से। हेलो 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 करके, अगर सर्वर में हूँ तो मैं जो बोलूँगा वो सामने बंदों को सुनाई देगा। अगर मेरा माइक कनेक्ट हो तो डिफॉल्ट वाले कनेक्ट पे हो तो ठीक है, मैं हटा देगा अपनी सुनाई देगा ना, तो उसका ही काम करता है। एंड मेरे हिसाब से तो मैंने सारी सारी बेसिक सेटिंग्स तो बता ही दिया यार, और एक आध अगर बच गई तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो आप जिस भी बोलोगे मैं उस चीज़ वीडियो ला दूंगा। फिलहाल तो मैं वीडियो ला रहा हूँ अपनी आर्क की, रैग्नारोक की, नेक्स्ट होगी और जो वो होगी बिल्कुल अच्छे से होगी, मतलब पूरी अच्छे से सीरीज एक तरह से मान लो बनेगी उसकी, तो सपोर्ट दिखाना है। क्योंकि एक आध चीज़ और बची थी जैसे बता देता हूँ मैं, एक आध चीज़ें जैसे कि जंप करने के लिए अपना स्पेस बार होगा। ठीक है, अगर टैक्स तो जंप फोल्ड के रखेंगे ना तो हमारा टैक्स ऐसे फ्लाई करता है। इसकी चीज़ बाद में बताऊंगा अगली वीडियो। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर मान लो कि जैसे कि मान लो मैं मेरा डाइनो है ये फ्यूजल्टी के तो यार बहुत ऊपर बैठा हुआ उसको, थोड़ा मान लो मैं इस रोल पर बता दूँ। ठीक है, इस पर अगर मैं ऐसे ई लॉन्ग करके रखूँ ना तो इसकी सारी सारी सेटिंग आ जाएगी। ठीक है, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई, भाई साहब, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ये क्या स्ट्रक्चर है भाई, कुछ नहीं मैं बना सकता बंदे। देखो इसकी सारी सेटिंग आ चुकी है, जो भी सेटिंग्स वगैरह जो भी आपने मोड लगाया तो मोड की सेटिंग आ जाएगी, और जो भी है बिहेवियर इनेबल वॉन्डरिंग कहाँ से करते हैं वो मेरे को भी नहीं पता। हाँ जी ठीक है, ठीक है, इसका मतलब जो भी आप करना चाहो वो मतलब ई अगर दबा करके तो उस जो जिस जिस एनिमल पे आप कर रखे, अगर आपका टीममेट होगा तो आपका टीममेट पे आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर टीममेट नहीं होगा फिर वो तो खुलेगा ही नहीं ई का ऑप्शन, फिलहाल टीममेट करने के बाद ही वो खुलता है। और मेरा शील्ड एक्टिवेट हो रहा है, वो हो गया भाई पता भी नहीं चला। नाइस, ठीक है ठीक है, और सो अभी तो इतना काफ़ी है, मतलब अभी के लिए इतना वो काफ़ी है। अगर कुछ ये बचे तो मेरे को बता देना उसके बारे में, मैं उसको आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और भाई इसका ये फेस मेरे को बहुत बेकार लगता है भाई, जो ये दिखता है ऊपर ये तेरी आँखें फट रही है। ठीक है, जो आपको अगर कुछ और पूछना हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो इतना काफ़ी है, कुछ अगर चीज़ें छूट गई तो उसके लिए बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी यू।